सुजानपुर टिहरा के वार्ड नंबर 1 के उम्मीदवार पुष्पेंद्र देवी ने लोगों के घर द्वार जाकर वोट मांगने का कार्यक्रम आयोजित कर दिया है, जिसे लोगों का सहयोग भी देखने को मिल रहा है। पुष्पेंद्र देवी ने बताया कि आने वाले 5 वर्षों में जहां डांगू मोहल्ला में रोड का निर्माण किया जाएगा, ये बात पुष्पेंद्र भटनागर द्वारा लोग उनके घर द्वार जाकर कही। उन्होंने बताया कि यदि किसी को विभागीय समस्या नजर आएगी तो वह खुद कार्यालय में जाकर उनसे काम करवाती नजर आएंगी। वहीं उन्होंने बताया कि उनके पति के द्वारा बाजार को पक्का करवाकर लोगों के बरसात के दिनों में कीचड़ से निजात दिलवाएगी और वार्ड नंबर 2 के रोड निकालने की प्राथमिकता रही है, जिससे शहरवासियों को विकास होता नजर आ रहा है। यदि पार्षद बनकर नगर परिषद में आती है तो वार्ड का विकास होता नजर आएगा। उन्होंने बताया कि वार्ड में प्राचीन काल में बनी गुफा का भी जीर्णोद्वार के लिए हर संभव प्रयास करती नजर आएंगी। महाराजा संसार चंद के ये गुफा काफी पुरानी है। उन्होंने बताया कि मेरे पति बीते 5 वर्षों में 2.5 वर्षों के लिए ही प्रधान बने थे, जिसके लिए उन्होंने शहर के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया है और आने वाले दिनों में पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए उच्च अधिकारियों और नेताओं से मिलकर पार्किंग की समस्या से निजात मिलेगी। एक समस्त जनता से बनेवा निवेदन है, बुजुर्गों से, भाइयों से, बहनों से, माताओं से, मेरी धर्मपत्नी वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ रही है नगर परिषद के पार्षद का, तो उनको चुनाव चिन्ह है, कुर्सी है। 10 जनवरी जी को वोट डाले जाएंगे तो कुर्सी वाले बटन दबा के भारी मतों से बीजी बनाए। आप जानते हैं कि मैंने 2000 में इलेक्शन लड़ा तो शहर की भी तस्वीर बदली और वार्ड की भी तस्वीर बदली। 2000 में मैंने बहुत बड़ा काम किया आपके आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से। एक लिंक रोड बनाया गया था जिसका आज पूरे व्यापारी भाइयों को फायदा होता है, व्यापारी भाइयों के नहीं, उसमें सुगौल जाने वाले लोगों के लिए, कांगड़ा जाने वाले लोगों के लिए भी फायदा होता है। उसके बाद मैंने जो है वार्ड नंबर 1 में बिजली के ऑफिस के लिए जगह दानी सोजनों से फ्री दरवाई थी, उससे एक बहुत बड़ा भव्य ऑफिस बना है बिजली का। 2000 में मैंने रैन बसेरा हमने निर्माण किया था नगर परिषद ने 2000 में, और 2000 में ही 2000 में जब बनी थी हमारी नगर परिषद तो सारी लाइट जो थी वो पेड़ों के ऊपर होती थी। वो हमने चंडीगढ़ से को लगभग उस टाइम हमने 300 पोल लाए थे बिजली के, और सारी लाइटिंग व्यवस्था ठीक की थी और बिजली में जो अपना लाइटें थी इसके ऊपर पेड़ों के ऊपर वो खम्भ के ऊपर शिफ्ट की गई थी। 2000 में ही एक सुजानपुर में काम चले थे नगर परिषद में, नगर पंचायत की था हमारी, पहले सब गलियाँ की कच्ची होती थी, सभी गलियों को हमने वार्ड नंबर 1 से लेकर वो सब गलियों को पक्का किया था। एक काली माता के मंदिर बहुत बड़ी गली थी उसको भी हमने उस टाइम पक्का किया था। वार्ड नंबर 8 के नाले को उस टाइम पक्का किया था। फिर सुजानपुर में सीवरेज का काम आया, 2000 में हमने काम किया था। फिर हम 10 साल इलेक्शन ही लड़ी, मैं उसमें 10 साल कमेटी में नहीं गया। 10 साल में जो प्रधान थे पिछले, उनका भी इतिहास देखा जाए और हमारा भी काम देखा जाए। 2000 में जो हमने काम किए थे 2005 तक, उसमें 10 सालों का लोग देखें कि किसके टाइम में काम ज्यादा होते। फिर 2015 में हम फिर कमेटी में गए, मैं 2.5 साल की प्रधान बना और आपके सामने पता है कि बाजार में एक बहुत बड़ा काम किया, जो टाइलें लगाई गई जहां पूरे बाजार में पहले कीचड़ ही रहता था, अब बहुत बढ़िया काम किया हमने बाजार में, टाइलें लगाई गई। वार्ड नंबर 2 में लिंक रोड बनाया गया, गौशाला का निर्माण किया गया और वार्डों में भी काम किए गए, बिजली की व्यवस्था सुधारी गई, घर घर से कूड़ा उठाया गया, डोर टू डोर कूड़ा उठाती है हमारी नगर परिषद, डैम्प पर लिए गया कूड़ा उठाने के लिए, किसी भी काम की कमी नहीं छोड़ गई। अगर इस बार नगर परिषद से मेरी धर्मपत्नी को वार्ड नंबर 1 के लोगों का आशीर्वाद मिलता है, वो जीत कर जाती है, वो फ्रंट फुट में काम करेगी और मैं बैक फुट में काम करूंगा। और हमारा उद्देश्य रहेगा कि इस वार्ड नंबर 1 की जो भी गलियां इस वक्त कच्ची रह गई हैं उनमें टाइलें डाली जाएंगी, गुफा का भव्य निर्माण किया जाएगा, वार्ड नंबर 1 में पार्क बनाया जाएगा और जो वार्ड नंबर 2 में हमने लिंक रोड बनाया, सुजानपुर की बहुत बड़ी समस्या है, सुजानपुर की जनता के लिए, प्रशासन के लिए समस्या है, तो उसमें हम 3 मंजिला पार्किंग की व्यवस्था करेंगे और ये हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य रहेगा और उद्देश्य रहेगा इस काम को हम करके बताएंगे। 3 मंजिला पार्किंग जो है बनाई जाएगी, जिससे शहर की समस्त जनता को फायदा होगा, जो बाहर से लोग आते हैं उनको भी फायदा होगा और उसका व्यापारी भाइयों को भी फायदा होगा। और एक वार्ड नंबर 8 में नाले का जो है बहुत बड़ा समस्या रहती है, तो उसको भी नगर परिषद जो बनकर जाएगी, जिसमें मेरी धर्मपत्री भी चुनकर जाएगी, तो मेरा ये उद्देश्य है कि वार्ड नंबर 8 के नाले का भी समस्या का हल किया जाए।